अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद अब्दुल रऊफ, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको एक स्क्रीन पर वीडियो बता रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की एक्टिवा पर जा रही है, पीछे से दो लड़के उसको फॉलो कर रहे हैं और उसको गाड़ी रोकने के लिए कहा जा रहा है। और उसको देख सकते हैं आप वीडियो में, जिस तरीके से वो दोनों के बीच में गुफ्तगू हो रही है। नाज़रीन, बताने की बात ये है कि लड़कियां बुर्का पहनकर भगवा लव ट्रैप हो रही है, ऐसा अवाम का कहना है। तो सवाल ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो लोग लव ट्रैप हो रहे हैं, भगवा लव ट्रैप हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल ये है। तो आइए नाज़रीन, हम आज आपको चंद बातें इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे और इस पे रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, वो लड़की जो लड़के के साथ जा रही है, वो मेजर है या माइनर है? सबसे पहला सवाल ये है। वो लड़की मेजर है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको इख्तियारात देता है कि वो उसके इख्तियारात है, वो किसी के भी साथ जाए, पहला। और जो आप लोग पीछे से जो लड़की को रोकने के लिए कह रहे हो, उसको डरा रहे हो, जो भी आप लोग एक्सवाइजेड कर रहे हो, इससे आपको क्या हासिल होगा, ये दूसरा सवाल है। आपको क्या हासिल होगा ऐसा करने से? आपको वीडियो बना के फेसबुक पे डाल के वायरल करने से इससे क्या हासिल होगा? कुछ हासिल होने का इससे नहीं है। क्या आपके रोकने पर वो लड़की अगर रुक भी गई, आपके बोलने पर क्या वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, हम आपको तीसरी बात ये बता दें कि आपका जज्बा एक अलग चीज़ है। आप जो जज्बे में आके एक बुर्का पहन के एक लड़की ऐसा कर रही है, लेकिन जज्बा काम आने वाला नहीं है। जज्बे को आप सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ऐसा ना हो कि आपका जज्बा आपको नुकसान पहुंचा दे, आपके ऊपर केसेस बुक हो जाए। और ये तमाम चीज़ों के साथ सफ़र करने वाले आप और आपकी फैमिली है। इसमें ना आपको कोई पॉलिटिकल लीडर की मदद मिलेगी, ना आपको कोई मस्जिद के इमाम साहब आके आपको ये कहेंगे कि आप बहुत अच्छा काम करें, चलो हम आपका साथदारी देते हैं। नहीं, इसमें खसारा उठाने वाले सिर्फ आप होंगे। अगर आपके ऊपर FIR हो गया, आपके ऊपर केसेस बुक हो गए, तो सफ़र होने वाले आप हैं, जेल को जाने वाले आप हैं, इसमें कोई आपकी मदद नहीं करेगा। देखिए नाज़रीन, इसका सॉल्यूशन हम आज इस वीडियो में बताने की आपको कोशिश करेंगे। इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो ये है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या युहल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या युहल लदीना आमनू हु अनफसकुम वहिलेकुम नारा। ऐ ईमान वालों, जो ईमान लाए हो, आपने आपको और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो सबसे पहला फरीजा इंसान के ऊपर ये होता है कि वो जो ये जज्बा आप जो रोड पे बता रहे हो, जो लड़की को रोकने के लिए कर रहे हो, ये जज्बे को आप सबसे पहले अपने घर पे इम्प्लीमेंट करें। आप अपने घर की इसलाह करें, आपके घर में जो माँ और बहनें हैं उनकी सबसे पहले इसलाह करें। अगर हर फर्द ऐसा करना स्टार्ट कर देगा तो इंशाल्लाह माशरे से ये तमाम बुराई ख़त्म हो जाएगी। ये इसका एक सॉल्यूशन है। और दूसरा सॉल्यूशन इसका ये रहेगा कि निकाह को आम किया जाए। आज हमारे माशरे में क्या हो रहा है, निकाह को आप मुश्किल कर दिए, इसलिए जिना आम होते जा रहा है। आप निकाह को तंग कर दिए, जोड़ा, घोड़ा, जहेज, इतने लोगों की खाने की फरमाइश, ये डिशों की फरमाइश। अब एक गरीब लड़की का बाप आपके ये ख्वाहिशों को उनको कैसा इम्प्लीमेंट, कैसा उसको पूरा करेगा वो? इसलिए आप लोग निकाह को मुश्किल कर दे रहे हैं। फिर अगर ऐसे काम करते हुए माशरे में कोई लड़कियां नज़र आ रही तो आप उसको धमकियां दे रहे, फिर आप उसको बोल रहे बुरख़े का नाम बदनाम कर रही, तू ऐसा कर रही, तू ऐसा कर रही, तू लॉ ट्रैप कर रही, ना तू नॉ मुस्लिम के साथ भाग जा रही, तू गाड़ियों पे उसके साथ बैठ के फिर रही। ये तमाम आप क्वेश्चंस रेज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चंस को सबसे पहले आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। आप निकाह को मुश्किल कर दिए, अब वो मजबूरन कोई गैर के साथ, कोई नॉन मुस्लिम के साथ वो भागकर शादी करने के लिए तैयार हो रही, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार आप है।
आपने निकाह को मुश्किल कर दिया, जबकि आपको निकाह को आसान करने का हुक्म दिया गया था, निकाह को सुन्नत के मुताबिक करने का हुक्म दिया था, लेकिन आप अपने ख्वाहिशात को शैतान की रविश पे चलाकर, शैतान के नक्शे कदम पर चलकर आप लोग आज जितना इसराफ निकाह में हो रहा है शायद कि कोई और जगह पे नहीं। आप अपनी ख्वाहिशातों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं निकाह के नाम पर। यह एक सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम है जो आज हमारी माँ और बहनें इस तरीके का काम कर रही हैं, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। रही दूसरी बात, ये जहेज घोड़े झोड़े ये तमाम चीज़ों को आप तर्क करें, निकाह को आसान करें, इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और वालिदैन को भी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वालिदैन को भी चाहिए कि दीनदार को तरजीह करें। आप दीनदार को छोड़कर गवर्नमेंट जॉब 40,000 कमाने वाला, 50,000 कमाने वाले की अगर आप लड़की वाले भी अगर ऐसे ख्वाहिशात करेंगे, तो ऐसा ना हो कि आपकी ख्वाहिशातों के पीछे वो लड़की अपने जज्बात को मारते मारते बूढ़ी हो जाए या फिर ऐसे कामों पर उतर आए। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार वालिदैन भी हो सकते हैं। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के जज्बात का ख्याल रखें, और निकाह का वक्त उनका हो जाए तो वक्त पर निकाह कर दें उनका, ये भी एक इसका सोल्यूशन है। वालिदैन भी इसके ज़िम्मेदार है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वालिदैन इसके ज़िम्मेदार नहीं, सबसे पहले तो वालिदैन ही ज़िम्मेदार है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, वो क्या कर रहे हैं, कहीं वो लोग गलत वेबसाइट्स खोलकर अपने जायज़ ख्वाहिशात को गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, अपनी जवानी को बर्बाद तो नहीं कर रहे। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों पर नज़र रखे, वो लोग क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इस दौर का जो फितना है, स्मार्टफोन है। जब तक स्मार्टफोन नहीं था बुराई होती थी, लेकिन इतनी बुराई नहीं होती थी। आजकल फहाशी आपके हाथ में है, आप चाहे कुरान हदीस की वेबसाइट खोले, आप चाहे प्रोन साइट्स खोले, ये आपके इख्तियार में, क्योंकि शैतान तो आपके रगों में दौड़ रहा है। शैतान ये नहीं चाहता कि आप अच्छे रास्ते को इख्तियार करें, वो चाहता ही यही है आपको बुरे रास्ते में आपको लेके जाए और आपको जहन्नम नसीब करे। शैतान की ये चाहत है, और उन्हें वादा करके आया है कि मैं तेरे बंदों को जहन्नम के रास्ते पर लेके जाऊंगा। तो ये बुराइयों को ख़त्म करने की सबसे बड़े सॉल्यूशंस यही है कि आप अपने घर से इस्लाह करें। और वालिदैन को चाहिए कि औलाद, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके औलाद हैं, उन पर कड़ी से कड़ी नज़र रखें और उनको इस्लामी तर्ज अमल पर ढालें। अल्लाह ने क्या चीज़ को हलाल किया है, क्या चीज़ को हराम किया है, उनको समझाएं, कुरान को तर्जुमे से उनको पढ़ाएं, ताकि उनको समझ में आए इंसान को इस रूए ज़मीन पे क्या मकसद से भेजा गया है। शैतान अपना हथकंडा डाल के है, और आपको चाहिए कि आप रहमान के बंदे बनते हैं या फिर शैतान के नक्शे कदम पे चलते हैं। सबसे पहली बात, आपको चाहिए कि अपने घर की इस्लाह करें, और आप अपने घर पे ये तमाम चीज़ों के इम्प्लीमेंट करें। दूसरी बात, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के जज्बात का ख्याल रखें और उन पे और उनके ऊपर नज़र रखें, वो लोग कैसा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, और उनको इस्लामी तालीमात दे और उनको कुरान तर्जुमे से पढ़ना सिखाए और सुन्नतों पे अमल करना सिखाए। ये आपको चार नसीहतें हैं। और जो मर्द हजरात इस्तेआत रखते हैं एक निकाह के बावजूद दूसरा निकाह करने की, तो वो मर्द हजरात को चाहिए कि वो दूसरा निकाह करे। कैसे करे? कोई यतीम देखे, कोई बेवा देखे, कोई खुलाशुदा देखे, कोई ऐसी बेसहारा को देखे जिसके साथ आप निकाह करके उसको गलत चीज़ों से बचाकर आप एक हलाल मुकाम दे, हलाल रिश्ते में उसको जोड़े। अगर आपके पास इस्तेआत है तो आप लोग दूसरा निकाह करिए। और वाजे रहे ये बात कि आप अदल में कोताही ना करें, दोनों के बीच में अदल करें आप लोग, जब जाके आप लोग ये माशरे को ये बुराई से बचा सकते हैं। आप लोग जज्बात में आके गाड़ियों को रोक के, वो लोगों के वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे वायरल करके आप लोग कोई माशरे में तब्दीली नहीं ला सकते। याद रख लीजिए ये बात, उल्टा आप लोग इस चीज़ का खसारा उठाने वाले हैं। बिला वजह आपके ऊपर FIR बुक होंगे, बिला वजह आपके ऊपर केसेस बुक हो जाएंगे।